देखो जब हम तीस चालीस साल से गिर रहे हैं वोट पहले बड़े बूढ़े साइकिल पे पैदल जमुना पार करके जाते थे अब तो हमारे पास बहुत गाड़ी है अपनी गाड़ियों जा। जाते हैं उत्तर प्रदेश में फिर हरियाणा दिल्ली और शर्मा के अलावा कोई भी सुनने वाला नहीं कोई आता ही नहीं है यहाँ वोट के चक्कर में तो आ जाएंगे वोट के बाद में फिर ट्रेन जयराम जी की राशन भी लाना होता तो हम हरियाणा के गाँव में जाते हैं हमारे यूपी से यूपी से टच है उन्नीस सौ बयासी है और यूपी से हमें कोई भी कनेक्टिविटी कैसी किसी प्रकार की नहीं है हम खुद अपने वहां लेके जाते हैं जैसे भी जाते हैं पोलिंग करके आते हैं हमें तेज नहीं पता होता कौन से पार्टी से कौन सा विधायक है कौन सा सांसद खड़ा हुआ है दिल्ली से कुछ मिनटों की दूरी पर नोएडा और ग्रेटर नोएडा पड़ता है और ग्रेटर नोएडा और नोएडा के विकास की बात करें तो यहाँ का विकास कार्य बेहद तेजी से चल रहा है लेकिन हम लोग इस वक्त एक ऐसे गांव में मौजूद है जहां पर शिक्षा चिकित्सा विकास तो दूर की बात है यहाँ पर गांव के लोगों के पास इनका खुद का पोलिंग बूथ नहीं है जो इनका खुद का एक अधिकार है वोट देने का उसकी सुविधा ही इस गाँव के लोगों के पास नहीं है हम लोग बात कर रहे हैं दलेलपुर गाँव की जहाँ पर इन लोगों के पास ना ही इनका खुद का पोलिंग बूथ है ये लोग लगभग चालीस किलोमीटर दूर जाते हैं वोट करने जो कि एकमात्र इनका खुद का अधिकार है साथ ही मैं आपको बता दूं कि इस गांव से हमारे देश की ही एक लड़की है जिन्होंने चार बार नेशनल खेला है और कई बार एशिया भी खेला है चौथे स्थान पर वो आई हैं आस्था त्यागी उनका नाम है चार बार उनको गोल्ड मेडल भी मिल चुका है गांव के कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं और आस्था त्यागी के पिता भी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं आखिर गांव में इतने लंबे समय से ये समस्या है इस समस्या का अभी तक हल नहीं हुआ है आखिर क्यों नहीं हुआ है इनसे हम बातचीत करेंगे साथ ही मैं आपको बता दूँ कि दलेलपुर गाँव जो है वो ग्रेटर नोएडा में आता है जी हाँ ग्रेटर नोएडा में आता है महेश शर्मा यहाँ से सांसद हैं आखिर उन्होंने इनकी ये बात क्यों नहीं सुनी इतने लंबे अरसे से यहाँ पर कोई पोलिंग बूथ नहीं है लगभग 40 किलोमीटर ये लोग दूर जाते हैं वोट करने इन तमाम मुद्दों पे हम लोग बातचीत करेंगे गांव के कुछ लोग आप देख सकते हैं मेरे साथ मौजूद हैं आप लोग इतना लंबा जाते हैं वोट देने कितने सालों से जा रहे हैं मैम ये तो उन्नीस से जा रहे हैं अगर बाई रोड जाते हैं तो चालीस किलोमीटर पड़ता है अगर हमें नाव नाव पार नाव में जमुना पार करके जाए तो सात किलोमीटर है तो कई बार नाव मिले कई बार नहीं मिलती है यमुना में अगर जाना रिस्क है तो हम इसीलिए अपने बाई रोड जाते हैं जाते, जाते हैं वोट देने हाँ जाते हैं वोट देने।, देने एक ही तो अधिकार है हमारे पास अपने अधिकार को भी यूज ना न तो फायदा क्या और तो हमारे पास कुछ है नहीं जी। सरकार की मूलभूत सुविधा लाइट वगैरह कुछ नहीं है भाई ये एक अधिकार है हमारा वोट का मतदान का ये हम करते हैं और करेंगे बार भी लेकिन जाने में बहुत समस्या होती होगी अब आप जाते हैं नहीं, मैं तो के, है। अच्छा ये बताइए इस गांव में लगभग कितने लोग रहते हैं गांव में तकरीबन तकरीबन दो सौ सवा दो सौ प्लस तो वोट हैं बाकी जनसंख्या पाँच सौ सौ प्लस है जो बच्चे हैं नाबालिग है पाँच सौ से प्लस होगी जो आबादी है सांसद जी ने कभी समस्या पे ध्यान नहीं दिया कि इस गांव के भी दो सौ सवा दो सौ वोट है सांसद जी कभी आए नहीं यहाँ पे अगर सांसद जी अब आगे निकल जाए ना हम उनको पहचानेंगे भी नहीं अगर मैं शर्मा जी कौन है हम नहीं जी सकते ये जितने बैठे पूछो को बिछाड़ जाए अगर आप हमारे सांसद कौन है इलेक्शन में हमको पता पड़ती है कि हमारे सांसद कौन है हमारा विधायक कौन है विधायक के बारे में भी नहीं पता होता ना विधायक के बारे में अगर किसी विधायक का नाम पता हो मैं जितने बैठे हैं किसी है ने पता विधायक का नाम किसी को नहीं पता नहीं। तो इस समस्या का हल अभी तक क्यों नहीं हुआ है देखिए आप इतने लंबे अरसे से यह समस्या बता रहे हैं कि इतना लंबा टाइम हो गया है कहीं तो आप इस समस्या को लेके गए होंगे कुछ कहीं तो कहीं सुनवाई नहीं हुई क्या मैम गए हैं कई बार गए डीएम साहब के पेश हुए हैं एडीएम साहब के पेश हुए एप्लीकेशन हाँ। भी लगाई है हाँ। और प्रधान ने भी एक दो बार कोशिश करी है लोगों के मंगल जुबार को जो तहसील दिवस होता है उसमें भी गए हैं हम वहाँ भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई सिर्फ आश्वासन तो मिल जाता है हमें अग हाँ होगा इतनी करने के बाद जो तीन चार ठूटी लगाई हैं टूटी लगा के छोड़ दी इंगट बॉर नहीं हो रहा अब अच्छा गाँव की और क्या क्या समस्याएं गाँव में सबसे बड़ी समस्या तो लाइट की है अगर लाइट हो तो बच्चे अब जो हाईटेक चल रहा है सोशल मीडिया का जमाना है दो घंटे मोबाइल चला डाउन हो जाए फिर दूसरे गांव में जाकर चार्ज करके लेके आए अच्छा। शाम को अल्टरनेटर से हम लाइट चलाते हैं और अपना पानी भरना सबसे बड़ी समस्या हमारी लाइट की है दूसरा भी प्रौढ़ शिक्षा केंद्र हो आंगनबाड़ी हो बच्चों के लिए ऐसी कोई मूलभूत सुविधा है नहीं आंगनबाड़ी आई है तो लोग वितरण नहीं हो पा रही वो बाकी लाइट की है हमारी मेन जो गवर्नमेंट से गुजारिश है रिक्वेस्ट है लाइट की है हाँ। लेकिन एक मतदान केंद्र होना भी उतना ही जरूरी है मतदान केंद्र देखो जब हम तीस चालीस साल से गिर रहे हैं वोट पहले बड़े बूढ़े साइकिल पे पैदल जमुना पार करके जाते थे अब तो हमारे पास बहुत गाड़ी है अपनी गाड़ियों से चले जाओ लेकिन सपोज जैसे आपके पास गाड़ी है यहाँ पे मुझे लगता है कि ज्यादातर लोगों के पास कोई व्हीकल तो एक नहीं एक होगा एक दूसरे की हेल्प कर लेते हैं हम मेन बात है जो इतने लोग परेशान है लाइट से परेशान है अगर हमारे हम आग लाइट आएगी वो अपने सोशल मीडिया चालू करेंगे मुख्यमंत्री से भी शिकायत लगाएंगे सबसे करेंगे पोलिंग बूथ तो करा लेंगे हम पोलिंग बूथ पांच साल में एक बार कुछ होना है लाइट हर दिन चाहिए हर मिनट चाहिए अगर अभी देख तो हम सरकारी दस्तावेज में ही शामिल नहीं है हमारे गांव की खतौनी भी अभी कंप्यूटराइज नहीं है अगर ऑनलाइन लिखानी चाहनी चाहे ना हम अपने गांव की खतौनी ऑनलाइन नहीं निकाल सकते कोई भी डॉक्यूमेंट हमारा ऑनलाइन नहीं निकाल सकते अगर हमारी खतौनी मैम ऑनलाइन हो जाती है हमारा किसी कार्ड बन जाएगा बैंक अकाउंट हो जाएगा बच्चों को सरकारी जो सुविधाएं मूल वो प्राप्त होंगी हुँ। जब हम किसी रिकॉर्ड में नहीं है तो हमें सुविधा क्या मिलेगी ना कोई किसान क्रेडिट कार्ड है ना कोई हमारे बुजुर्गों को की पेंशन है अस्सी साल उम्र है ताऊ जी की इनके भाई की पचहत्तर साल उम्र है चार पेंशन इनके घर में एक नहीं बनी आज तक ये बताइए कितनी स्टेट को क्रॉस करके वोट देने जाते हैं उत्तर प्रदेश में जी। फिर हरियाणा दिल्ली और फिर उत्तर प्रदेश कौन सी जगह है जहाँ पे आपका पोलिंग बूथ बना हुआ है जहाँ पस... गुलावली गांव में है सरकारी स्कूल है गुलावली उसमें वो जाते हैं हर साल साल पोलिंग में वहीं पे वोट होती है कितने किलोमीटर पड़ेगा लगभग तकरीबन चालीस किलोमीटर एक साइड से एक साइड से चालीस वही चालीस किलोमीटर आना अस्सी किलोमीटर हो गया अगर यमुना नदी पार करके जाए तो यमुना नदी का नाम ही नाम रह रहा काला गंदा नाला हो रहा है बिल्कुल नाव कब पलट जाए टूटी सी नाव भी पिछली बार तो डलवा भी दी इलेक्शन हुआ तीसरे दिन लेके उठा के अच्छा मतलब अगर नाव आई थी तो सिर्फ इलेक्शन के चलते आई थी इलेक्शन खत्म ना हो गई जैसे आज पोलिंग हुई है हाँ। अगले दिन नाव को उठा के लेंगे अब हमारे पास फोन भी आया था अधिकारियों का भाई पोलिंग बस भेजे क्या करें मगर हमें बस की जरूरत नहीं है हम अपने आप अपने वाहनों से चले जाएंगे नाव डलवा देते हैं मग उधर से वोट डाल के आएंगे इधर नाव नहीं मिलेगी फिर अपने पार तो एस डी एम साहब भी आए दौरे पर बोल के गए एस डी एम साहब आए थे क्योंकि बीच में हमने कह दिया बहिष्कार कर रहे हैं इलेक्शन का तो एस डी एम साहब आए पूछ के गए क्या परेशानी है क्यों जब बताइने लाइट देखो लाइट नहीं है मेरे गांव में आपको खम्बा नहीं मिल सकता लाइट का लाइट की तो छोड़ो बिजली का तार नहीं मिल सकता तो वो भी आश्वासन दे के चले गए अब सुनेंगे आप करेंगे ये बताइए इतनी तपती गर्मी में जाते हैं वोट देने जाना पड़ता है क्या करें वोट तो देनी जरूर है हमें क्या लगता है आपकी बार महेश शर्मा आपकी बात को सुन नहीं रहे हैं दस साल उनके कार्यकाल को हो चुके हैं लेकिन ये समस्या जो है ये उससे भी ज्यादा लंबी है महेश शर्मा के अलावा कोई भी सुनने वाला नहीं है कोई आता ही नहीं है यहाँ वोट के चक्कर में तो आ जाएंगे वोट हाँ। के बाद में फिर नहीं जयराम जी की वो भी नहीं आते कैसे चलेगा फिर कैसे चलता रहेगा अब ये तो वो जाने या उनका काम जाने सरकार जाने हम क्या कर सकते हैं बताओ हम तो यही कर सकते हैं जाके इलेक्शन तो में वोट कार्यकर्ता नहीं, नहीं आया अब तक छब्बीस तारीख को वोट बो, डाली है, है। प्रतिनिधि का कोई भी कार्यकर्ता अभी तक हमारे पास इस गाँव में आया नहीं है प्रचार प्रसार के लिए भी नहीं आया क्या, क्या कोई कुछ नहीं आया हमें ये नहीं पता कौन कौन कैंडिडेट खड़े है कुछ नहीं पता हमें अभी सिर्फ बीएलओ आई थी और ये देके चली गई अब ये आपकी वोट है पर्ची दे के चली गई अगर आपको वोट डालनी है केंद्र कहाँ लिखा है ये लिखा।, लिखा भी हुआ है जी हाँ जी देखिए आप ये देखिए मैं कैमरा पर्सन से कहूँगी दिखाए ये, दिखा ये देखिए प्राइमरी स्कूल गुलावली देखिए देखिए रियलिटी चेक आपके सामने ही है लेकिन कुछ और लोग हैं ये बताइए इतनी तपती धूप में आप जाते हैं अभी अप्रैल चल रहा है इतनी भयंकर धूप है जिसका कुछ कहना ही नहीं है बारिश पड़ रही है लेकिन गर्मी का सितम आप देख सकते हैं हमारे बड़े बूढ़ों हम ने काट दिया हम भी उन्हीं के पीछे हैं हमारे कोई कनेक्टिविटी नहीं है यूपी से किसी भी प्रकार से ना बिजली से ना हमको अगर कोई राशन भी लाना होता तो हम हरियाणा के गांवों में जाते हैं हमारे यूपी से यूपी से टच है उन्नीस सौ बयासी से यूपी के गांव में पर यूपी से हमें कोई भी कनेक्टिविटी कैसी किसी प्रकार की नहीं है हम खुद अपने वाहन लेके जाते हैं जैसे भी जाते हैं पोलिंग करके आते हैं हमें तो ये नहीं पता होता कौन सी पार्टी से कौन सा विधायक है कौन सा खड़ा हुआ है तो हम बस एक हमारा धरा में, हमारा है है हम वोटिंग करने जाते हैं। वोटिंग करने करने जाते जाते हैं हैं आप बड़ी समस्या लेकिन आ रही है। इतने लंबे समय से समस्या चल रही है हम कितने स... लोग हैं आपके घर में जो वोट देने जाते हैं और कैसे जाते हैं, ये हैं। हम अपनी पर्सनल सवारी से जाते हैं जैसे, जैसे भी जाते सरकार से कोई सुविधा नहीं मिलती नो नह समस्या गहन है फिर

जिसको हर आम आदमी को जरूरत है जी। हमारे पास वही नहीं है तो हम क्या करेंगे हाँ क्या? टीवी है LCD है सबके घर में या जितने भी लोग बैठे इनसे पूछना अगर उन्होंने न्यूज चैनल कब देखा टीवी पर जब कभी अपने रिश्तेदार के घर चली गई है एक घंटा भी लाइट नहीं नहीं कुछ नहीं यह किसी रिश्तेदार के घर चले गई है जब टीवी देखने को लिए मिलता है तो गर्मियों में गुजारा कैसे हो रहा है फिर आपको? ये पेड़ के नीचे जैसे आप बैठे हो हमारे साथ मैंने पांच साल पहले भी कही थी एक बात जो ये विधायक हैं सांसद हैं जितने भी ये पोलिटिशियन हैं एक रात मेरे यहाँ गुजार के देखे हमारी कोई शिकायत नहीं होगी कभी भी देखिए दलेलपुर गांव में इस वक्त हम लोग मौजूद थे जो कि ग्रेटर नोएडा में आता है लेकिन मैं आपको एक रियलिटी चेक यहीं से दिखाना चाहूंगी कि मैंने अपने गूगल मैप पर गुलावली जो इनका पोलिंग बूथ है वो डाल के देखा है यहाँ पे आपको कैमरा पर्सन से बोलेंगे थोड़ा क्लोजअप करें 48 मिनट्स का रास्ता यहाँ से दिखा रहा है मैं डायरेक्शन पे गई बाइक का रास्ता 48 मिनट्स और 53 मिनट्स दिखा रहा है ये कार से 34 किलोमीटर हालांकि ये 34 किलोमीटर 34 किलोमीटर लगभग आ रहा है गांव वालों का कहना है कि लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर वो स्पॉट है वो मतदान केंद्र है जहां पर ये लोग वोट डालने जाते हैं अब इस बात में आखिर कितनी सच्चाई है मैं यहां से निकल रही हूं, दलेलपुर से और मैं जाऊंगी गुलावली इनके जो मतदान केंद्र है वहाँ पर और इसी मैप को फॉलो करते करते मैं गुलावली प्राइमरी स्कूल में जाऊंगी और देखूंगी कि आखिर मुझे पहुंचने में कितना समय लगा है कितना लगभग किलोमीटर है तो चलिए मेरे साथ यहाँ पर बातचीत करने के बाद अब हम जा रहे हैं गुलाबली देखिए हम लोग दलेलपुर से निकलकर अब गुलावली की ओर जा रहे हैं जहां पर लोगों का ये कहना है कि वो लगभग 40 किलोमीटर के आसपास लगभग 40 किलोमीटर के आसपास वोट देने जाते हैं वहीं पर ही एकमात्र मतदान केंद्र है अब इस बात में कितनी सच्चाई है अब आप ये लोग देख सकते हैं कि हम लोग दलेलपुर से निकलकर जा रहे हैं गुलाबली जिसका रास्ता जो है वो इकतीस किलोमीटर दिखा रहा है हालांकि अभी तक हमने दो किलोमीटर का सफर जो है वो तय कर लिया है फोर्टी सेवन का रास्ता दिखा रहा है मैं अपने कैमरा पर्सन से बोलूंगी कि एक बार इस पर स्टेब्लिश करें वो इस शॉट को और दिखाएं कि हम लोग निकल चुके हैं दलेलपुर से गुलावली की ओर जहाँ पर हम गुलावली में जाकर सबसे पहले लोगों से पूछेंगे कि जो गुलावली प्राइमरी स्कूल है उस तक का रास्ता कितनी दूर का है फिर वहाँ पे जाके आपको एकमात्र दलेलपुर लोगों के वोट का मतदान केंद्र जो है वो दिखाएंगे चलिए चलते हैं। गुलावली जा रहे हैं इस वक्त हम देखिए हम लोग दलेलपुर गांव से निकले थे गुलाबली मतदान केंद्र के लिए जहां पर दलेलपुर गांव के लोग जो हैं वो अपना एकमात्र अधिकार का इस्तेमाल करने गुलाबली मतदान केंद्र में आएंगे इस वक्त आप देख सकते हैं कि मतदान की जो प्रक्रिया है वो उसकी जो तैयारी है वो यहाँ पर चल रही है यहीं पर ही मतदान होगा दलेलपुर से लोग आएंगे मतदान करने वो यहीं पर ही वो जगह है जहां पर वो लोग मतदान करेंगे इतनी तपती गर्मी में इतनी तपती धूप में और 40 किलोमीटर का लंबा सफ़र तय करने वो यहां पे मतदान करने आएंगे 40 किलोमीटर यहां पर आएंगे फिर 40 किलोमीटर वापस अपने घर जाएंगे तो ऐसे देखा जाए तो लगभग 80 किलोमीटर का दायरा वो तय करेंगे अस्सी किलोमीटर का सफ़र वो तय करेंगे अपने मतदान का इस्तेमाल करने के लिए वोट का इस्तेमाल करने के लिए कि किसकी सरकार वो चाहते हैं हालांकि हमने उनसे बातचीत की थी और बातचीत में हमें यह भी पता लगा कि जिस दिन इलेक्शन होता है उस दिन एक गांव का रास्ता है यमुना का एक रास्ता है जो कि गांव वालों के लिए यमुना में एक नाव लेकर आती है उस दिन सुबह नाव आती है और शाम को जब वोटिंग की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है तब वो नाव वहाँ से चली जाती है उन्होंने बताया कि अधिकारी जो हैं बड़े स्तर के अधिकारी जो हैं वो एक दिन के लिए गांव वालों को मतदान के लिए आ, नाव दे देते हैं वहाँ पे प्रोवाइड करवा देते हैं जो कि आठ से दस किलोमीटर तक का सफ़र जो है वो यमुना के थ्रू प्रोवाइड कराती है अब इसमें सोचने वाली बात यह है कि अपने मतदान का इस्तेमाल करने के लिए लोग 40 किलोमीटर चलकर यहां पर आ रहे हैं इतनी तपती गर्मी में इतनी तपती धूप में अब आप क्या सोचते हैं हालांकि इस वक्त यहां पे टेम्परेचर बहुत पारा जो है वो चढ़ा हुआ है चलिए मैं आपको ये भी दिखा देती हूँ कि इस वक्त यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो क्या है ये देखिए थर्टी सेवन डिग्री सेल्सियस यहाँ पर इस वक्त टेम्परेचर है मैं आपको अपनी लोकेशन पर आपको करंट में दिखा रही हूं कि थर्टी सेवन डिग्री टेम्परेचर इस वक्त यहाँ पे दिखा रहा है तो आप अंदाज़ा इस बात से ही लगा सकते हैं कि धूप में लोग आते हैं अपने मतदान का इस्तेमाल करने वोट करने हालांकि चुनाव आयोग ने कहा था जब उन्होंने चुनावों की तारीखों का ऐलान किया था तब उन्होंने बहुत बड़ी बात की थी कि हम चाहते हैं कि अब की बार लोग जो हैं वो मतदान ज़्यादा से ज़्यादा करें अपने अधिकार का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें लेकिन बहुत सीधी सी बात है कैसे कोई अपने मतदान का इस्तेमाल करेगा जब वो चालीस चालीस किलोमीटर का लंबा सफ़र तय कर कर आएगा आप क्या सोचते हैं क्या समझते हैं आपकी क्या राय है इस खबर पर? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कैमरा पर्सन अजीत सिंह के साथ आरजु दुबे श्रेष्ठ भारत ग्रेटर नोएडा श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत